क्वांटम मैकेनिक्स एंड पैरेलल यूनिवर्सेस। कुछ रिसर्चर्स पैरेलल यूनिवर्सेस के आइडिया को क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में मल्टीपल स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं टाइनी पार्टिकल्स की एक ही टाइम पर, जिसमें एक वेव फंक्शन सारी पॉसिबल स्टेट्स कंटेन करता है। लेकिन जब हम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं तब हमें बस एक ही स्टेट दिखता है उस वेव फंक्शन का, क्योंकि वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में कोपेहेगन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हम एक आउटकम को ऑब्जर्व करते हैं जब वेव फंक्शन कोलैप्स करता है एक सिंगल रियलिटी में। इससे रिलेटेड थ्योरी, जिसे मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहा जाता है, ये थ्योरी ऐसा सजेस्ट करती है कि हर टाइम जब हम एक स्टेट या आउटकम ऑब्जर्व करते हैं पार्टिकल का, एक अनदर वर्ल्ड फॉर्म हो जाता है जिसमें एक डिफरेंट क्वांटम आउटकम रियलिटी बन जाती है। ये एक ब्रांचिंग अरेंजमेंट जैसा है जिसमें हर इंस्टेंट पर हमारा परसीव्ड यूनिवर्स ब्रांच आउट हो जाता है नियर इनफाइनाइट अल्टरनेटिव्स में। मतलब कि हर मोमेंट पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की वजह से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस फॉर्म होते हैं जिनमें ये सारी पॉसिबिलिटीज रियलिटी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक रोड पर चल रहे हैं और आप स्लिप करके गिर जाते हैं एक छिलके पर, एक केले के छिलके पर। लेकिन इसी पॉइंट पर दो यूनिवर्सेस की टाइमलाइन फॉर्म हुई और आप क्योंकि इस यूनिवर्स में थे इसलिए आप स्लिप होकर गिर गए, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में आपने इस छिलके को पहले ही देख लिया और उससे बचते हुए आगे चले गए। ये थ्योरी कुछ इसी तरह काम करती है और ये सभी पॉसिबल ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी का आइडिया हम ना ही टेस्ट कर सकते हैं और ना ही इसे कम्प्लीटली गलत प्रूव भी किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है एक साइंटिफिक थॉट में कि हम एक आइडिया को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ टेस्ट और वैलिडेट कर सके। अगर एक थ्योरी को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो ये होल साइंस के लिए एक बड़ी मिस्ट्री और चैलेंज बन जाती है।